Hello friends, this is your host Rachit Pangala. I hope you all are fit and fine. भाई बहुत खतरनाक बारिश हो रही है और पापा और थोर बाहर बहुत बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं। इन सबसे पहले पर वीडियो को अभी के अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। जल्दी जल्दी वहाँ पे 5K फॉलोवर्स करवाने हैं आपने। हेला पूरी मस्ती में हुई है, फुल मस्ती में हुई। दिखाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। हेला चलो, कहाँ से भाग के आई थी तू? चल भागो भागो। अच्छा, इसके अंदर घुसेगी तू? अंदर घुसेगी? चल भाग भाग भाग। कभी कभी ऐसे बेइज्जती भी कर देती है। देखो मैं पीछे से आऊंगा। हेलो, भाग ले बच्चू, चल भाग चल। तो भाई सबसे पहले बात शुरू करने से पहले मैं एक बात मेंशन करना चाहता हूँ। मुझे दिख रहा है कि मेरी दाढ़ी बढ़ रही है, बस ये यहाँ से बढ़ रही है, यहाँ से नहीं बढ़ रही है। तो पर मेरे पापा मेरे पीछे पड़े हुए, कहते हैं कि तू खुद नहीं काटेगा, कल जाके वो नाई से कटवाएंगे, हेयर ड्रेसर से। तो फिर इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। तो प्लीज थोड़ा सा, मुझे खुद अजीब लग रहा था और इस मानू ने उंगली बीच में लाई। तो जिसका नाम सोनू गंजा है। चलो कोई नहीं, ये इसको आप एक बार ध्यान से हटाते हैं। तो आज का टॉपिक क्या था हमारा? आज का टॉपिक ये था कि बहुत सारे प्यारे प्यारे भाइयों ने बहुत अच्छी अच्छी कमेंट करी हुई है, जबकि भैया प्लीज स्नो को परमानेंट रख लो, या फिर भैया भाई से रख लो, प्लीज इसे मत भेजो। और सो ऑन, मतलब ये बेसिक बात है कि सारे लोग, सारे नहीं, 40-50% लोग कह रहे हैं कि भाई से रखो। एक ये जो मैं पोजीशन ले रहा हूँ, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग बोर ना हो और ताकि वॉच टाइम ज़्यादा मिले। देखो करना पड़ता है क्रिएटर को, तो इसलिए कर रहा हूँ मैं। हाँ, अब आते हैं टॉपिक पे वापस। तो भाई अब मैंने पहले ही व्लॉग में, जिस दिन मैं लेके आया था, जिस व्लॉग को मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, बेटा रुक जाओ, तो आई बटन में लिख दे रहा हूँ, उसमें मैंने, जब मैं अपने पप्पी को लेके आया था पहली बार, मैंने उसमें सबसे पहले इंट्रो होते ही मैंने ये मेंशन करा था कि मैं ये डॉग नहीं रख रहा परमानेंट, बस ये आप लोगों को कंटेंट थोड़ा अच्छा हो मिले, आप लोगों को और अच्छा लगे, क्योंकि मेरा काम है, क्रिएटर हूँ मैं, तो आपको अच्छा कंटेंट ला के दूँ, इसलिए मैं वो पप्पी लेके आया था आप लोगों को एजुकेट करने कि हम इंडियन डॉग ब्रीड्स को भी प्रमोट करें, और हम करते हैं। हमने पहले ही व्लॉग में मेंशन कर दिया था कि हम एक और पप्पी नहीं रख सकते, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, तो आप लोग नाराज मत होना कि हम पप्पी नहीं रख ले। लेकिन जो आपने एक बात बोली थी कि आप अलग अलग ब्रीड के डॉगीज लाओ, तो वो हम लेके आएंगे, और आपको रीजंस कि हम क्यों नहीं रख सकते वो भैया बताएं। जैसे कि आपको खुशखबरी मिल गई है, आपने कहा था कि हमें वो पप्पीज वाली वीडियो बनानी चाहिए, मानू बहन ने बता दी है कि हम वो बनाएंगे, और वो खुश हो जाओ आपकी, अलग अलग पप्पीज लाएंगे हम, अलग अलग स्पीशीज के, जिससे आप भी एजुकेट होगे, कंटेंट भी अच्छा बनेगा। तो ये तो एक बहुत बढ़िया खुशखबरी है। सेकंड पॉइंट, जो बात थी कि हम नहीं रख सकते पप्पी, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, मुझे भी आगे स्टडीज करनी है, मानू को भी आगे स्टडीज करनी है, क्योंकि वो, उसने 12th अब कर लिया। अब दूसरा रीजन बताता हूँ मैं आपको, वो बहुत बड़ी ब्रीड थी, मैस्टिफ ब्रीड है, और वो ब्रीड को बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए, और बहुत ज्यादा स्पेस हमारे घर में तो है नहीं, किसी भी घर में नहीं होती, क्योंकि उनको फील्ड चाहिए बहुत बड़े बड़े, मतलब खेत चाहिए, तो इसलिए हम वो लोग नहीं रख सकते। जैसे कि इनको बहुत बड़े बड़े फील्ड्स चाहिए, जैसे कि आप कह सकते हैं फार्म हाउस हो गया, या फिर गांव में जैसे घर होते हैं अपने, खुले डुले घर होते हैं बढ़िया, तो वहाँ ये कामयाब होती है बुल्ली डॉग, ये जो बुल्ली कुत्ता ब्रीड है। और हाँ, ये इंडियन ही है, जो पुराना पंजाब था जिसके अंदर पाकिस्तान में चला गया, आधा पंजाब आधा इंडिया में है, और हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर, ये जो रीजन था, थोड़ा बहुत राजस्थान, इस रीजन में कहा जाता है कि इस रीजन में ये जो ब्रीड है ये बनी थी। और हाँ, जैसे कि साउथ वाली साइड भी केव्स जो है उसके अंदर पेंटिंग में शो हुए हैं कि ये वाली ब्रीड तब भी थी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ब्रीड है ये। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन, उस ये जो ब्रीड होती है बहुत ऊंची ऊंची होती है, इनके जो टांग वगैरह होती है, जो मतलब आप कह सकते हैं जो इनके लिम्स होते हैं, वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइल्स है हमारे घर में, तो यहाँ पे ये कामयाब नहीं है। हमारे घर में जैसे थोर भी है, ये भी एक मीडियम साइज रॉटवाइलर है, तो इसलिए यहाँ पे कामयाब है, बट इसकी भी थोड़ी सी लेग में इशू आने लग गई थी, बट वो हमने
बहुत मेहनत कर करके वो ठीक करी है। पर आपके लिए खुशखबरी है, कमेंट सेक्शन में बताना कि ट्यूसडे, हाँ ट्यूसडे या फिर वेनसडे को, इस ट्यूसडे इस वेनसडे को आपके पास एक हमारे पास एक नया पप्पी आएगा। ये बताओ कौन सी ब्रीड का होगा वो, क्योंकि वो सिर्फ आप सब लोगों के लिए आएगा। तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, जरूर जस्ट अभी रोको और कमेंट करो कि कौन सी ब्रीड का पप्पी आएगा। बहुत प्यारा पप्पी आएगा, ठीक है, और बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाएंगे। ओए गाय बाद में बन लियो, घास खाने लग रहा है तो। क्योंकि ये व्लॉग मैंने Q&A व्लॉग कह सकते हो, क्योंकि आप लोगों के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे तो वो क्लियर करना जरूरी था। आगे बहुत खतरनाक खतरनाक कंटेंट आने वाला है। मंडे को वीडियो आएगी, उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी बुल्ली कुत्ता की जो फीमेल है, इतनी मैस्टिफ होती है ना यार ये, उस मतलब कितनी जाइगेंटिक होती है, आप ये चीज तब देख पाओगे उस व्लॉग में, जब आप वो देखोगे ना तब पता चलेगा कि कितनी बड़ी होती है ये। उस व्लॉग के लिए वेट करो, मंडे को आ जाएगा वो व्लॉग। तो फिर इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कर दो यार, यहाँ तक देखा है ना तो कर दो भाई, वो मुंबई के निखिल भाई की बात है, अगर यहाँ तक व्लॉग देख लिया तो प्लीज लाइक कर दो। जो नया कॉन्सेप्ट था वो देखा आपने, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई अच्छा लगा, आपकी मेहनत अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो चलते हैं फिर, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय। गाइस हमारा प्लान में गड़बड़ आ गई, पंचर हो गया हमारा। पंचर नहीं हुआ, हवा कम है। तो वेट, नेक्स्ट पॉइंट अभी बताता हूं। एक ही बात है बाकी। भाई हम नीचे खड़े हैं और ये सीन आपने पता नहीं कितनी बार देख लिया होगा व्लॉग्स में, पर ये सीन ऐसा है, देखो बीबी रो रहे, ये यूं कह रहे हैं कि मुझे नीचे उतारो और इसने सारा शीशा खराब करा हुआ, यूं लगा लगा के थूक अंदर और शिकायत लगाने गए, देख फिर आ गया। हाँ सॉरी, इसको यूं है कि हम अगर नीचे है तो इसको भी नीचे ही आना है हमारे पास। बनी क्यों तंग हो रहे है, इतने किताबा में इतना नीचे की ले रहे बैग ये है। तू कौन सी क्लास में है और तू कहाँ से आया भाई? तू ट्यूशन से? इतना बोझ कैसे तेरे ऊपर पढ़ाई का? फर्स्ट में हो गए तो ट्यूशन जा रहा है कि खुद स्कूल में? नहीं, अच्छा स्कूल तो बंद हो रहे हैं, फिर तो ठीक है, फिर तो जाना चाहिए। ओए यम्मी, तेरे पास हवा भरने का पंप है ना, वो ला देगा? वो खराब हो रहा है। कब होया? हो गया उसका। हाँ? हवा वाला जो नहीं होता जिसे भरते हैं। हाँ, हाँ। वो चलता नहीं है। चल कोई नहीं, बाय, अच्छे से पढ़ियो। पबजी खेलता है? पबजी खेलता है? देख खुशी देखी चेहरे पे ये देखो ऊपर खड़ी मम्मी, मम्मी का बेटा थोरी।